नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट फ्रांस में तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत भी एक बड़ी और अहम भूमिका निभा रहा है। परमाणु संयंत्र का दिल कहा जाने वाला यंत्र भारत ने बनाया है। इस यंत्र को क्रायोस्टेट कहते हैं, या फिर परमाणु संयंत्र का फ्रिज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एटॉमिक ऊर्जा से निकलने वाली गर्मी, कूलेंट आदि को ठंडा रखता है। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के सूरत में इस क्रायो स्टेट को बनाया गया है। इसे एलएनडीटी ने बनाया है। क्रायो स्टेट स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर चैम्बर होता है। जब एटॉमिक रिएक्टर आसपास गर्मी पैदा करता है, ये उसे ठंडा करने के लिए एक बड़ा रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है। इसे ही क्रायो स्टेट कहते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का सदस्य देश होने के नाते भारत ने इस क्रायो स्टेट को बनाने की अहम जिम्मेदारी ली है। हालांकि पहले इस प्रोजेक्ट पर चीन को काम करने का मौका मिल रहा था। फ्रांस में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में जब काम शुरू होगा, तब उनका सूरज के तापमान से 10 गुना ज्यादा तापमान होगा, मतलब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। क्रायोस्टेट यानी परमाणु संयंत्र के फ्रिज का कुल वजन 3,850 टन है। एटॉमिक रिएक्टर फ्रांस के कदारशे में बन रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन होने के बावजूद भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया। इसके हिस्से फ्रांस भेजता है। इन सभी हिस्सों को जोड़कर चैम्बर का आकार दिया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान, रूस समेत 7 देश में मिलकर ये नया एटॉमिक प्लांट बना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।